गैस्ट्रिक का दवा बोलते हैं, लगो ये गैस्ट्रिक के लिए बहुत बढ़िया दवा है। देखिए ये है गैस्ट्रिक का दवा, और यहाँ पे देखिए दोस्ती एक देख रहे हैं ना, इस तरह का जो है संगे कीड़ा है भाई, हमको तो लगा सांप, हमको तो लगा ये कहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने जिंदगी में खुश और मस्त रहें। दोस्तों मैं रब से ही दुआ करता हूँ, आप लोग भी मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा, मैं भी मेरी जिंदगी में खुश और मस्त रहूँ। देखिए दोस्तों, आज मैं आया हूँ मॉर्निंग वॉक, तो आपको दिखाते हैं क्या है कैसा है दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, मैं दिखाता हूँ क्या है कैसा है। और देखिए यहाँ देखिए, यहाँ जो है देखिए यहाँ दाई बोल रहे हैं कि सुबह सुबह चलना चाहिए, घूमना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, उससे क्या होता है कि स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। देखिए दाई जो है 40 साल का हो गया है फिर भी कितना, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह पचास नब्बे सौ एक सौ दो सौ, ये केला इतना तगड़ा है, देखिए उसका जरा देखिए, इतना तगड़ा और इतना लंबा लंबा है, और केला देखिए कितना छोटा छोटा पड़ा है भाई, देखिए। तो सिर्फ तगड़ा होने से नहीं होता है भाई, उस चीज़ में दम भी होना चाहिए। तो देखिए वो केला का हालात देखिए, इतना तगड़ा लंबा है लेकिन इतना बड़ा बड़ा फलता है यार, कोई छोटा छोटा होता है और कितना मोटा मोटा फलता है। तो इसीलिए दोस्तों थोड़ा अपने जिस्म को एक्सरसाइज करें और थोड़ा दौड़े, सुबह सुबह थोड़ा दौड़े, मॉर्निंग वॉक करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, क्योंकि शरीर जो है मजबूत रहेगा। सिर्फ लंबा और मोटा हो जाने से नहीं होता है दोस्तों, और कोई छोटा भी होता है और वो देखते हैं कितना मजबूत होता है। जैसे वो केरा के सैंपल ही ले लीजिए। तो दोस्तों इसीलिए थोड़ा मॉर्निंग वॉक किया कीजिए, ऐसे तो मैं पहले नहीं करता था लेकिन मुझे बाद में समझ में आ गया कि करना चाहिए। तो मैं दो दिन से जो है आ रहा हूँ और दो दिन से मुझे जो है बहुत फ़र्क महसूस दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। यहाँ तक अभी तो यहाँ तक आते हैं लोग, बहुत उधर अंदर तक जाते हैं लोग, देखिए उधर तक जाते हैं लोग। अभी तो मैं यहाँ तक आया हूँ, और शायद आने वाला टाइम में जो है कल परसों से जो है मैं भी उधर जाऊँगा, तो उधर का भी व्यू दिखाऊँगा दोस्तों। अभी जो है यहाँ तक का देखिए, और यहाँ से दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ से जो है अंदर के लिए भी रास्ता है, और ये हो गया। पहले मैं ये रास्ता आने में डरता था, क्या था कि मुझे लगता था कहीं इसमें बाघ भालू ना निकल जाए, लेकिन बाघ भी कभी कभी आ जाता है और हाथी तो अक्सर आता ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए एक है बर का पेड़, और यहाँ से तोड़ते हैं मैं ये, देखिए ये तोड़ते हैं गैस्ट्रिक का दवा बोलते हैं, लगो ये गैस्ट्रिक के लिए बहुत बढ़िया दवा है। देखिए दोस्तों यहाँ मैंने तोड़ लिया गैस्ट्रिक का दवा, और चल दिए लोग तो मैं भी चलता हूँ। देखिए यह है गैस्ट्रिक का दवा, ये गैस्ट्रिक का दवा है बोलते हैं लोग कि ये इससे जो है गैस्ट्रिक ठीक हो जाता है। तो मुझे क्या है कि थोड़ा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, तो देख रहे हैं देखिए वहाँ पे एक भाभी जी जा रही हैं, वो बोली कि अगर पीपल का नहीं, बर का जो जारा आता है ना वहाँ तोड़ के खाइएगा सुबह सुबह, तो गैस्ट्रिक ख़त्म हो जाएगा। तो मैं कल से जो है ये तोड़ कर खा रहा हूँ, और इसका रिजल्ट क्या आएगा मैं आप लोग को बताऊँगा, कल से खा रहा हूँ, अभी तो मुझे इतना समझ में नहीं आया है। और देखिए कितना प्यारा व्यू है यहाँ से, देखिए देखिए देखिए, और यहाँ पे घर देखिए दोस्तों, यहाँ पे घर जो है खेत में देख रहे हैं ना, एक घर वहाँ है, एक वहाँ है, एक उधर है,
यहाँ पर घर भी बनाते हैं लोग ना, तो थोड़ा हट के बनाते हैं लोग, कोई उधर बनेगा कोई उधर बनेगा, और कहीं पर भी देखिए रास्ता हो या ना हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि नेपाल में जो है ये जब सब आप लोग देख रहे हैं जो देखा है, रास्ता हो या ना हो घर बना लेंगे लोग, क्या कि आरी भी हो तो क्या हो, आरी भी पकड़ करके चले जाते हैं लोग ऐसे ऐसे पतला पतला सब। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए सुबह सुबह जो है एक आंटी जो है घास काट के जा रही हैं, तो और इधर देखिए देख रहे हैं ना ऐसा आरी पकड़ के भी चले जाते हैं लोग, और इधर में देखिए देखिए यहाँ से जो है एक लाइक आ रहे हैं। मुझे लगता था पहले पहले जो है ये रास्ते में जो है ना कहीं बाघ भालू ना आ जाए, इसीलिए मैं नहीं आता था, मेन रोड में ही घूम करके छोड़ जा चला जाता था दोस्तों। तो देखिए इस तरह का व्यू, देखिए कैसे कैसे यहाँ पे घर है, घर भी दिखाते हैं, देखिए इस तरह का जो है यहाँ पर जो देखिए इस तरह का जो गोट होता है, इस तरह का गोट होता है ब्लॉग 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 बन ही रहा। यहाँ देखिए यहाँ जो है मॉर्निंग वॉक करके जा रहे हैं लोग, और देखिए यहाँ पर दोस्तों इस तरह का घर होता है, देख रहे हैं ना इस तो, और ये जितना भी जगह है ना, ये जितने भी जगह है दोस्तों सब ऐलानीय होता है, ज़्यादातर ये जगह ऐलानीय है। और थोड़ा सा भी कहीं अच्छा जगह देखा तो क्या करते हैं लोग यहाँ पे जो है जो पहले से कब्जवारी करते हैं, कब्जवारी करके घर बना लेते हैं लोग, रहने लगते हैं लोग। ऐसे भी सरकार का कोई ज़रूरत हटाता नहीं है, ज़रूरी पड़े तो शायद हटा दे, लेकिन अभी तो कोई ज़रूरी ही नहीं है तो नहीं हटाते इधर लोग दोस्तों। तो देखिए यहाँ से जो है कितना बढ़िया व्यू दिखाई दे रहा है, देखिए देखिए उधर में जो मेन रोड है दोस्तों उधर को जाना है। तो ये था दोस्तों आज का जो है, देखिए इंग्लिश मुझे उतना बोलना नहीं आता इसीलिए कभी कभी मैं लटपटा जाता हूँ, तो मॉर्निंग वॉक, हाँ मॉर्निंग वॉक के लिए मैं आया था दोस्तों। और देखिए भाई लोग ये डैम थोड़ा ऊंचा हो गया था, देखिए यहाँ पे जो है चढ़ने के लिए बना रख दिया है लोग, यार कहीं गिरेंगे नहीं ना, चढ़ के देखिए देखिए इस तरह से थोड़ा हाइट हो गया है तो थोड़ा चढ़ते हैं। अरे वाह देखिए किस तरह से, देखिए दोस्तों ये पूरा जो है केरा 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 केरा, देखिए कितना बढ़िया बना दिया है लोग यार, देखिए यहाँ से तो देखिए यहाँ से दिखता है ये पूरा बाजार, देखिए और कितना बढ़िया चढ़ने वाला बना दिया है लोग यार, थोड़ा ये हाइट हो जाने पर देखिए बहुत बढ़िया सुविधा किया है लोग। और चलिए चलते हैं उतरते हैं, देख लीजिए पीछे में यही है ये केरा वगैरह का शॉप है, और यहाँ से देखिए भाई लोग, मैंने तो सोचा यहाँ से गिरूंगा नहीं ना यार, बढ़िया बना दिया है लोग यार। तो चलिए दोस्तों इधर कुछ है दिखाते हैं, चलते हैं देखते हैं क्या है, आप लोग ही बताएंगे। अच्छा देखिए दोस्तों इस तरह का जो है देख रहे हैं ना, इस तरह का जो है इस तरह का जो दोस्तों यहाँ पे जो है नहर बना है, और ये जो डैम देख रहे हैं इसके अंदर से जो पानी आ रहा है उधर जो है नदी में है, और यहाँ पे जो है ये सब सिंचाई के लिए, देखिए घर देखिए यहाँ पे वहाँ पे इस तरह से घर बनाया हुआ है, और दिखाते हैं देखिए एक पुल का पानी इधर गया है, और इस यहाँ से देखिए यहाँ से उठाने वाला है दोस्तों, देखिए इस तरह का है, देखिए घर इधर में भी जो है घर बन रहा है, देखिए दोस्तों इस तरह से देख रहे हैं, और देखिए पानी बहुत स्पीड है भाई, बहुत स्पीड पानी है। देखिए यहाँ पे एक अंकल हैं, सुबह सुबह आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, देखिए कितना फिट है, शायद 60-65 वर्ष की उम्र होगा है ना अंकल,
60 बरस की उम्र है, देखिए कितना तगड़ा है अभी, देखिए गुड़ देखिए, ऐसा लगता है एक्सरसाइज करते और मज़ा से यहाँ पे गाना बजा देते हैं। देखिए नेपाली गाना चल, हिंदी गाना चल रहा है और मैं इसको ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा, नहीं तो कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। देखिए तो इसीलिए आप लोग सुबह सुबह जो है दमदार तरीके से एक्सरसाइज कीजिए और स्वस्थ रहिए। तेज़ी से निकल रहे हैं, अब मैं भी जा रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो के यहीं पर इन करूँगा, आप लोग मेरे चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट कर देना। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए बाय दोस्तों।